हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एज वी नो दैट वी आर ऑन द पेज ऑफ एज एडमिनिस्ट्रेटर कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज, जिसमें से ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बेसिक ऑफ एज यूर इंट्रोडक्शन हो गया, पोर्टल पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वो डिस्कशन हो गया, आई थिंक सब्सक्रिप्शन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के बारे में, मल्टीपल क्लाउड जो प्रोवाइडर हैं उनके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो अभी आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूज़र और ग्रुप से रिलेटेड बातें हो चुकी है, क्रिएट करके हमने देख लिया है, गेस्ट यूज़र अकाउंट कैसे तैयार करते हैं वो भी हमने बना के देख लिया है, राइट। आज का जो एजेंडा है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, और ये बेसिकली ये पूरा पार्ट हम जो पहला ऑप्शन है ना, मैनेज एजर एक्टिव एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बल्क यूज़र क्रिएशन, कैसे आप मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम बना सकते हैं। उसके बाद एडी ज्वाइन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप अपने ऑन प्रमाइसेस विंडोज 10 मशीन को एजर एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज नॉट एजर एडी कनेक्ट, इट्स नॉट एजर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट, ये एजर एडी ज्वाइन है। बात करेंगे दोनों के बीच में गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों का पर्पज अलग है, जाहिर सी बात है आगे डिस्कस करेंगे। और ये SSPR, तो एक छोटा सा SSPR भी हम कॉन्फिगर करके देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस क्लास में जो भी ये वीडियो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसमें हम सभी कंटेंट कंप्लीट कर देंगे। और मीनवाइल आप भी तैयारी करते चलिए और कमेंट करते चलो कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने एग्जाम को क्लियर करोगे इसी सीरीज के बिहाई पे, और इसी के बिहाई पे हम अपने नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं, चलिए बल्क यूजर क्रिएशन से कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डिवाइस तब तक आपको हाईलाइट नहीं होगी जब तक आप एडी कनेक्ट से के थ्रू ज्वाइन नहीं करेंगे, जब तक आप एडी ज्वाइन नहीं करेंगे डिवाइस सेटिंग आप नहीं देख पाएंगे। तो पहले बल्क यूजर बना लेते हैं, फिर उसके बाद SSPR कॉन्फिगर कर लेते हैं उसी यूजर पे, और फिर हम एडी ज्वाइन और डिवाइस सेटिंग का पार्ट कंप्लीट कर देंगे। यूजर और ग्रुप की प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ओपन करते हैं अपना पोर्टल portal.azure.com, चलते हैं डायरेक्टिव के पैनल पे, एक्टिव डायरेक्टिव के पैनल पे, और बात करते हैं सबसे पहले बल्क क्रिएशन की। तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें, लास्ट वीडियो का अगर आप चेक करोगे ना, तीसरी क्लास थी, उस क्लास को अगर चेक करोगे, उस क्लास की वीडियो को चेक करोगे, तो हमने आपको स्टेप बताया था कि अगर आपके पास डोमेन कंट्रोलर है godaddy.com पे या पब्लिक डोमेन आपने परचेज कर रखा है, तो किस तरीके से उस पर्टिकुलर डोमेन को आप अपने एजर एक्टिव डायरेक्टिव के पैनल के साथ अटैच कर सकते हो। तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट बल्क यूजर क्रिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले वेरीफाई कर लेते हैं कितने डोमेन्स अवेलेबल है। कस्टम डोमेन पे आके देखें तो 2 डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर अपने पास हैं, एक है आपका onmicrosoft.com, दूसरा thatscloud.in, एंड ये जो thatscloud.in है ये हमने परचेज कर रखा है कहाँ से, godaddy.com से। तो चलिए बल्क यूजर क्रिएट करके पहले देख लेते हैं। यूजर्स पे जाओ, और अभी अपने पास मैंने एडी से सिंक्रनाइज कर रखा है, तो कुछ यूज़र ऑन प्रमाइसेस के हैं, बट उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1, 2, 3, 4 अलग अलग यूज़र हैं, और 3 यूज़र हम बल्क यूज़र की हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं। तो नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप बल्क ऑपरेशंस पे क्लिक करो, क्रिएट बल्क पे जाओ, बल्क क्रिएट पे जाओ, यहाँ पे एक आपको टैम्पलेट मिलेगा, इस टैम्पलेट को CSV फाइल का टैम्पलेट है, इसको डाउनलोड कर लो इसी टैम्पलेट के बिहाइव से, बल्क यूज़र, ठीक है ना, बल्क यूजर, इसको हम प्रोसीड कर देते हैं किसी भी लोकेशन में रख लेते हैं, एंड इसके अंदर एडिट करके फिर से हम इसको अपलोड कर देंगे। चलिए CSV फाइल डाउनलोड हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपका UPN नेम रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी का जो नेम रहेगा, आप अपने यूजर के साथ असाइन करेंगे, और अगर डोमेन नहीं है तो आप ऑन माइक्रोसॉफ्ट पे अटैच करा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डोमेन नहीं है, आपने godaddy.com से नहीं परचेज किया, या परचेज किया है आपने, असाइन नहीं किया, मीन्स ऐड नहीं किया कस्टम डोमेन को, तो उस केस में क्या करोगे आप, जो onmicrosoft.com है उस onmicrosoft.com को एज ए डोमेन आप ट्रीट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे अभी CSV फाइल को ओपन करने वाले हैं। CSV फाइल को ओपन करने के बाद इसमें मल्टीपल यूजर तैयार करेंगे और उस मल्टीपल यूजर की फाइल को अपलोड करेंगे और चेक करते हैं कि कैसे ये प्रोसीड होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज बैकग्राउंड में मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो CSV फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसी फोल्डर में हमने रखा था, चलिए CSV फाइल का नाम रखा था हमने बल्क क्रिएशन, बल्क क्रिएशन यहाँ पे ओपन कर लो आप।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप CSV फाइल ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे ऐड पे क्लिक करते हैं और तीन यूज़र ऐड करना है हमें एक साथ, ठीक है। तो यूनिक नेम होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपने मल्टीपल यूज़र बना रखा है, क्लाउड GCP राज ये तीन यूज़र बना रखे हैं, AWS, Azure और Telnet के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो AWS अपना यूज़र हो गया, डिस्प्ले नेम AWS@thatscloud.in, thatscloud.in इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इस नेम से डोमेन परचेज कर रखा है और सेम नेम डोमेन नेम को हमने इस पे ऐड करके देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें AWS हो गया, Azure के नाम से बना लेते हैं Azure@thatscloud.in, ठीक है। सेम पासवर्ड रखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और इसको नो कर दीजिए, अदरवाइज ये ब्लॉक हो जाएगा, मीन्स आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। और एक यूज़र बना लेते हैं Telnet के नाम से, ठीक है, चलिए डन, Telnet@thatscloud.in। ठीक है, अभी हम तीन यूजर बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एन नंबर ऑफ यूजर प्रोसीड कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन है अगर आप चाहते हो कि आपके यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस डिटेल या फिर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, इसमें डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, राइट। तो चलिए अभी तो हम ये तीन यूज़र को अपलोड करते हैं। ये इनका हो गया UPN नेम, जो एक्टिव आपके पास है, जो डोमेन नेम है उसे एसोसिएट किया हुआ है, और ये पासवर्ड हो गया, अभी लॉगिन के लिए अलाउ कर दिया हमने, ठीक है। AWS, Azure और Telnet, AWS, Azure, Telnet ऐसा कोई भी नाम हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अब फटाफट इसी फाइल को CSV फॉर्मेट में फिर से सेव कर लो, ठीक है ना। CSV फॉर्मेट में रख लेते हैं किसी दूसरी लोकेशन में, या उसी लोकेशन में नाम बदल करके फाइनल यूजर बल्क, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद एज इट इज सेम फाइल को यहाँ से आप पिक कर लो, अपलोड कर दो, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फाइनल 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 बल्क, फाइनल यूजर बल्क, आप इसको ओपन करा लीजिए, सक्सेसफुली अपलोड हो गया, सबमिट कर दो। अगर सब कुछ सही रहा, इफ एवरीथिंग इज ओके, हमारे जितने भी यूजर थे, जो तीन हमने यूज़र असाइन किए थे, वो तीनों यूज़र यहाँ पे ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का टाइम मे बी कि लग सकता है, तब तक मैं विंडोज़ 10 मेरे पास अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अदर सिस्टम है, लैपटॉप है, उसको कनेक्ट कर लेता हूँ RDP के लिए, ताकि आपको दिखा सके कि किस तरीके से Azure AD Join को प्रोसीड किया जाता है। चलिए सक्सेसफुली अपलोडेड है, तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं हम फिर। Then AWS, Azure और यहाँ पे Telnet, हमने जो यूजर्स बनाए थे AWS, Azure और Telnet, तो ये बेसिकली तब किया जाता है अगर आपका AD सिंक्रनाइज नहीं है, आप सभी एक्टिविटी जो है Azure पोर्टल से परफॉर्म कर रहे हो और अचानक से कुछ बंदे आ गए, मीन्स हायरिंग हो गई और 8 से 10 बंदे, 15 से 20 बंदे हायर किए गए, और सबके लिए आपको यूज़र क्रिएट करना है, सबके लिए मेल बॉक्सेस बनाने हैं, Office 365 के पोर्टल पे उनको एसोसिएट करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है CSV फाइल डाउनलोड करो, 15 से 20 लोगों का नाम, इनकी इन्फॉर्मेशन सेव करो और फटाफट अपलोड कर दो, तो एक बार में ये सभी यूजर्स आपके जो है क्रिएट हो जाएंगे लाइक दिस। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट, एज पर द कंटेंट ये हमने कंप्लीट किया, परफॉर्म बल्क यूजर अपडेट्स, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे की स्टेप में एक है ना SSPR, कॉन्फिगर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, बहुत ही यूनिक सर्विस है। तो एज पर द नेम सजेस्ट, SSPR में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एज एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क परफॉर्म कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मीन्स अप टू 50 प्लस इंजीनियर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, हर एक मीन्स अगर 50-100 इंजीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं हर एक हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी न किसी की कंप्लेन आती रहेगी कि मैं पासवर्ड भूल गया, कुड यू प्लीज़ रीसेट इट, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू नो दैट कि अपने पास कितना टास्क रहता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सभी क्लाइंट के ऊपर या सेलेक्टेड क्लाइंट के ऊपर जिसको लगता है कि पासवर्ड बहुत ज़्यादा भूलता है, उसके लिए SSPR कॉन्फिगर कर दो और बोल दो भाई आप अपने तरीके से जो भी पासवर्ड आपको रखना है रीसेट कर सकते हो, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ SSPR, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना है आपको,
ये आपको पेज दिखाई पड़ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी पे, यहाँ पे कॉर्नर पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे आप देखिए नन सेलेक्टेड एंड ऑल। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरे यूजर 100-150 जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए आप SSPR एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऑल कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं सेलेक्टेड 4-6 बंदे हैं, 15-20 बंदे हैं जिनके लिए SSPR एक्टिवेट करना है तो सेलेक्टेड कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, तो हम अपने केस में क्या करने वाले हैं ना, ऑल कर देते हैं और ऑल करके सेव कर लेते हैं। अब बारी आती है हाउ यू कैन सेट। अब जो SSPR सेट करेंगे वो किस तरीके से आप अप्लीकेबल बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया सक्सेसफुली सेव। आप जाइए यूजर्स की प्रॉपर्टी पे अगेन और कोई भी यूजर असाइन कर लो, जैसे AWS हमने जो रिसेंटली बनाया ना इसी को देख लेते हैं कैसे SSPR मैनेज किया जाता है। अभी हम इसको करते हैं कॉपी और बन जाते हैं एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर बन जाते हैं। मीन्स वी डोंट हैव ऑप्शन ऑफ वी डोंट हैव एक्सेस ऑफ Azure पोर्टल, एडमिन का कोई एक्सेस नहीं है। आप ओपन करिए portal.azure.com पे AWS@thatscloud.in को लॉगिन करा लीजिए, ठीक है। और जो फर्स्ट लॉगिन है, हमने क्या पासवर्ड रखा था, cloud@123। तो जो आपने कॉमन पासवर्ड रख रखा था ऑन प्रमाइसिस पे वही पासवर्ड से लॉगिन कराइए। फर्स्ट लॉगिन पे यू नो दैट की पासवर्ड चेंज होगा, ठीक है। कस्टमर जो है वो अपने हिसाब से पासवर्ड मैनेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आप करा दो साइन इन, ठीक है। हमने यहाँ पे जो पुराना पासवर्ड था रीसेट किया एज ए कस्टमर। और नेक्स्ट स्टेप आप देखते हैं, यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरीके से आप SSPR की सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। चलिए ये आ गया आपका, नेक्स्ट कर दो, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं बढ़ इसमें बढ़ते रहता है। ठीक है, SSPR के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई सा भी एक स्टेप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मीन्स मोबाइल नंबर पे कोड के थ्रू, या फिर आप अपनी कोई पर्सनल मेल आईडी यूज़ करना चाहते हैं जीमेल या याहू मेल, तो उसके थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हैं, मीन्स SSPR को कॉन्फिगर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फ़ोन नंबर हम यूज़ कर लेते हैं अपना, और इनकेस अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं मीन्स, तो हम अपने इस पर्टिकुलर SSPR मेथड के जरिए अपने आप से मीन्स खुद से ही बिना एडमिनिस्ट्रेटर से कोऑर्डिनेट किए हुए खुद से रीसेट कर सकते हैं। चलिए टेक्स्ट करके आप टेक्स्ट पे क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिए। 16-digit का कोड आएगा, इट्स नॉट रिलेटेड टू द MFA, ये MFA का पार्ट नहीं है, SSPR इज अ सेपरेट थिंग। MFA जो है वो आपका अलग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए अपने पास एक कोड रिसीव हो चुका है, तो आई एम गोइंग टू यूज द सेम कोड। ठीक है, इट्स 890 एंड 938 वेरीफाई करा लेते हैं। आप चाहो तो दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक आपने कॉन्फ़िगर कर दिया अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेल आईडी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए बस एक इनफ है, आप फिनिश कर दीजिए यहीं पे। नाउ वी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर द SSPR फॉर आवर यूज़र, ठीक है, फॉर आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। अब आप यहाँ पे एक बार वेरीफाई करा लेते हैं पासवर्ड को एंट्री करके। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आप अपने इस पर्टिकुलर यूज़र का पासवर्ड भूल जाते हैं इन फ्यूचर, तो आप अपने खुद की तरफ से रीसेट कर सकते हैं। तो एक स्टेप देख लेते हैं क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो किस तरीके से आप रीसेट करेंगे। उस टाइम पे जब आप पासवर्ड रीसेट करेंगे आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि इस पर 6-digit का कोड आएगा वेरीफिकेशन के लिए कि आप इसके ऑनर हो या नहीं, या फिर मेल आईडी अगर आपने कॉन्फिगर कर रखी है तो मेल आईडी पे डिटेल्स आ जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम रीसेट करते हैं। AWS@thatscloud.in फॉर एग्जाम्पल, आप पासवर्ड भूल चुके हैं, फॉरगेट इन माई पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यूजर नेम अपने आप आ गया यहाँ पे, ये जो कैप्चा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कैप्चा फिलअप कर दो, G3W55X, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए यू नो दैट कि सेंड अ कोड, यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को की डिटेल दे दीजिए, 612, नेक्स्ट। अगेन यू विल रिसीव अ 6-digit कोड और वो कोड वेरीफाई कराएंगे, 048322, 048233, ठीक है। अब आपको एक नया पेज मिल जाएगा जहाँ पे आप 048322, ठीक है,
एक जो नेक्स्ट पेज आप डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे नया पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है। तो आप जो भी पासवर्ड आप चाहते हो अपने इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, ठीक है ना, तो उस पासवर्ड को आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, मस्ट बी यूनिक कॉम्प्लेक्स, 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, अपर लोअर तभी आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए, एक हम इसमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड 5 8 1 2 3 4 5 6। मस्ट बी यूनिक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो पासवर्ड आपका हो जाएगा किसके लिए, परमानेंट उस पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड हो जाएगा। चलिए ठीक है, वी सक्सेसफुली रीसेट अवर पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ SSPR। तो ये अपने पास हो गया। अगला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, गेस्ट यूजर अकाउंट, बल्कि यूजर क्रिएशन, SSPR हो गया, Azure AD ज्वाइन और डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ही आप डिवाइस को ऐड करेंगे ना, जब आप डिवाइस को अपने अटैच करेंगे, जब विंडोज 10 को आप ज्वाइन कराएंगे, तो आपके जो विंडोज 10 की इंफॉर्मेशन है वो आपके इस पर्टिकुलर एज पोर्टल पे आ जाएगी। बट ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं, क्योंकि यू नो दैट कि ये थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है या फाइनल करिए, उसके बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में Azure AD ज्वाइन और डिवाइस सेटिंग और जो अपने पास अदर ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड है, वीकेंड में हम आपको दो वीडियो देने वाले हैं सेम सीरीज की, ताकि हम जल्द से जल्दी सीरीज को खत्म करें, अगले सीरीज पे मूव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।